तीनों मीटिंग अटेंड की। अभी नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते फिर करना था, पर एक ही हफ्ते में परमेश्वर ने रिजल्ट दे दिया। क्या दे दिया? एक ही हफ्ते में रिजल्ट दे दिया। आमीन। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम नीतू है और जे अमृतसर वल्ले गांव के रहने वाले हैं। और जिस सिस्टर की गवाही जे इनकी काफ़ी समय से चाहत थी, जे सिंगापुर जाना चाहते थे, और जिस सिस्टर ने बताया कि जैसे इन्होंने अपनी फाइल को अप्लाई किया और जे बता रहे कि इनकी पहले 5 इन्होंने इंटरव्यू दी, जो इनकी इंटरव्यू थी वो रिजेक्ट हो गई थी, और जैसे इन्होंने फिर 6वीं इंटरव्यू दी और जे बता रहे कि उसके बाद भी जो इनका वीज़ा था वो भी 3 बार रिजेक्ट हो गया, और जिसके कारण जे परेशान हो गए। फिर उन्होंने फॉर्म फिल करवाया और जैसे इनके लिए ले एंड प्रार्थना भी हुई, उसके बाद जे बताते कि फिर उन्होंने 3 इंटरव्यू दी और जे बता रहे कि इंटरव्यू तो दे दी थी पर उसका भी अभी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। वो सही तो हो गई थी पर अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं था, और जैसे जिसके कारण जे परेशान तो थे पर जे जानते थे कि परमेश्वर कर सकते हैं। और फिर जे इन्होंने बताया कि जैसे इन्होंने प्रभु के दास के साथ बात की और प्रभु के दास ने इनको एक वचन दिया कि आपने लगातार थर्सडे, संडे और प्लस मंडे की पर्सनल मीटिंग में आना है, और लगातार आपने जो तीनों मीटिंग्स को अटेंड करना है, और जो परमेश्वर की ओर से वचन परमेश्वर ने अपने दास को दिया था, और जैसे इनके साथ बात हुई और जो वचन इनको दिया गया और इन्होंने विश्वास किया कि सच में परमेश्वर मैं इस वचन को पूरा कर चुकी हूँ, और जो विश्वास से संडे और थर्सडे मीटिंग में आए, और जैसे जो फर्स्ट हफ्ते में जो मीटिंग इन्होंने अटेंड की और जो इनका जिन्होंने इंटरव्यू दी थी उसका इनको रिजल्ट मिल गया, और जो परमेश्वर ने इनको वीजे और टिकट के साथ ब्लेस कर दिया, और फिर इन्होंने पर्सनल मीटिंग भी अटेंड की, और आज परमेश्वर ने इनके लिए रास्ते को खोल दिया है। और अभी जो सिस्टर इस फ्राइडे को, शुक्रवार को सिंगापुर जा रहे हैं, और परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और सच में हम इस गवाही के लिए दिल से प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। मेरे चार छुफेरे करदा दूर हनेरे, मेरे चार छुफेरे करदा दूर हनेरे, तू खुशियां दाया जियो ते धानदा है, हर वेले यसु मेरे नाल नाल रहिंदा, मेरे दिल दा हाल पछाणदा है, हर वेले यसु मेरे नाल नाल रहिंदा, मेरे दिल दा हाल पछाणदा है। आज आपने एक गवाही सुनी एक बेटी की, जो लंबे समय से अपना वीजा लगा रही थी बाहर जाने के लिए। कितनी बार इंटरव्यू हुई? एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार, 5 बार, सब रिजेक्ट। वीजा भी लग गया एक बार, दो बार, कहती फिर रिजेक्ट। ले हैंड भी हुई पर ले हैंड होने के बाद भी, पर फिर परमेश्वर अपना वचन देता है। जैसे वचन खुदा ने दिया कि अपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना है, संडे, वीरवार, मंडे। हाँ, मुझे पता है डिफिकल्ट है, औखा है, मुश्किल से हम हफ्ते में एक दिन टाइम निकालते हैं, कुछ लोग तो महीने में एक दो बार आते हैं, मुश्किल से आ जाता है, मुश्किल से। पर वो काम हो नहीं रहा ना अभी, बोलो क्या है उसका, उस बेटी का काम हो नहीं रहा। तो मैंने कहा फिर ऐसे करो, हर संडे, वीरवार और मंडे जो पर्सनल मीटिंग है उसको लगातार अटेंड करना। संडे, वीरवार, मंडे तीनों मीटिंग अटेंड की। अभी नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते फिर करना था, पर एक ही हफ्ते में परमेश्वर ने रिजल्ट दे दिया। क्या दे दिया? एक ही हफ्ते में रिजल्ट दे दिया। आमीन।